दोस्तों आपको अपने मोबाइल को डिश टीवी जैसा हिलाने कोई जरूरत नहीं। भाई मैंने एक छोटा सा एडिटिंग किया, तो दोस्तों हमारे चैनल में कोई नो सिग्नल वाली समस्या नहीं खड़ी होती है। दोस्तों चलिए आपको सीधे ले चलते अपने वीडियो के ऊपर। तो दोस्तों मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कुछ ऐसे एडिटिंग, अरे यार बंद हो जाओ। तो दोस्तों मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि मतलब मेरे भाई ने एक कमेंट किया था कि भाई कुछ होली पर पिक्स एडिटिंग पर वीडियो बनाओ। तो दोस्तों मैं उनके लिए वीडियो बना रहा हूँ कि दोस्तों आप भी देख लीजिए कि मैंने कैसा पिक्स एडिटिंग, मतलब मुझे तो पिक्स एडिटिंग करना ही नहीं आता है। दोस्तों मैंने होली पर एक पिक्स एडिटिंग किया हूँ। तो दोस्तों आपको कुछ नहीं करना है, बस मेरी वीडियो को स्टेप बाय स्टेप देखना, उसको फॉलो करना है कि मैंने कैसा एक मतलब कि एडिटिंग किया हूँ। दोस्तों जो मेरे पीछे बैकग्राउंड मतलब कि पीछे बैकग्राउंड पर देख सकते हैं कि मैंने कुछ ऐसा एडिटिंग किया हुआ। तो दोस्तों चलिए आपको सीधे लेके तो अपने वीडियो को ऊपर। तो दोस्तों चलिए आज जो वीडियो शुरू करते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम सीतम पाठक और आप देख रहे हैं हमारे YouTube चैनल पाठक जी सोल्यूशन। तो दोस्तों चलिए आज जो वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों आपको वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको एक रिक्वेस्ट करता हूँ कि अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर और बेल आइकन को प्रेस कर ताकि हमारे अगली वीडियो को आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। दोस्तों ऐसे में ट्रिक्स और ट्रिक वाली वीडियो या फिर कोई यूट्यूब और संबंधित वीडियो में और कोई टेक्नोलॉजी वाली वीडियो में हमेशा लाता रहता हूँ। दोस्तों अपने यूट्यूब चैनल पर तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। तो दोस्तों चलिए आज जो वीडियो है, दोस्तों वीडियो को सुनने के लिए मैं आपको बताता हूँ कि एक छोटा सा लाइक कर देना, एक छोटा सा कमेंट कर देना, जो कि हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। दोस्तों आपके लिए क्या ये इंपॉर्टेंट होगा मैं आपको बता दूँ। दोस्तों आपको ये वीडियो को पूरा वॉचिंग करना है और इस वीडियो को मतलब कि इन्हें बता दूंगा कि मतलब कि अगर आपको मतलब कि अपने पिक्स को कटिंग करने नहीं आता, मतलब कि आपको फोटो को बैकग्राउंड को कटिंग नहीं करने आता, तो मैं आपको वीडियो के एंड में बताऊंगा कि आपको अपने फोटो को कैसे कटिंग करना है। तो दोस्तों चलिए आज की जो वीडियो है बिना देर के शुरू करते हैं। दोस्तों एक कमेंट और एक लाइक जरूर कर दीजिए, जो कि हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। दोस्तों चलिए आज की जो वीडियो है बिना देर के शुरू कर लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर अपने मोबाइल के होम स्क्रीन पर आ चुके हैं। दोस्तों आप अपने मोबाइल के होम स्क्रीन पर बने रहना और आपको ये वीडियो जो पूरा देख लेना है। तो दोस्तों चलिए आपको सिंपल भाषा में बताता हूँ कि कैसे आप कुछ इस तरह से एडिटिंग कर सकते हैं। दोस्तों जैसे कि आप मेरे स्क्रीन पर देख रहे हैं कि मैंने अपना फोटो लगाया है और वॉलपेपर मैंने सेट किया था। दोस्तों ये कैसा लग रहा है मेरा वॉलपेपर, और आप कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिएगा। तो दोस्तों चलिए आपको बताता हूँ कैसे आप अपने ऐसे फोटो को एडिटिंग कर सकते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले आपको अपने पिक्स आर्ट के एप्लीकेशन को डाउनलोड करना होगा, जैसे कि मैंने डिस्क्रिप्शन में करना इसका लिंक दे दिया है, वहाँ से आकर डाउनलोड कर लीजिएगा। दोस्तों बहुत ज़्यादा आसान तरीका, दोस्तों ये कोई एडिटिंग वाला नहीं है। तो दोस्तों आपको जैसे ही प्ले स्टोर से तो दोस्तों आपको लॉगिन वगैरह होना है तो हो जाएगा, और यहाँ से आपको प्लस का आइकन दिखेगा दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ पर थोड़े से मैं अपनी इस ब्रूस वाली सेटिंग को ओपन कर लेता हूँ। जैसे दोस्तों यहाँ पर आपको कुछ सेटिंग्स दिखेगी, कलर एडजस्ट करके मैं आपको दिखाता हूँ। यस तो हो गया। तो दोस्तों आपको क्या करना है, सिंपल में आपको ये जो प्लस वाली आइकन दिख रही होगी, यहाँ पर आपको प्लस का आइकन दिख रहा होगा दोस्तों, जैसे कि ये वाला दिख रहा है प्लस का आइकन, इस पर आपको क्लिक करना है। सिंपल से क्लिक करेंगे तो दोस्तों आपको इसके लिए कोई डाटा नहीं चाहिए। तो दोस्तों इसके लिए आपको ये आल फोटो रख रहे, तो इस पर आल फोटो पर चले जाएगा। दोस्तों मैंने ये सारा बैकग्राउंड जो मैंने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, दोस्तों वहाँ से आप जाकर डाउनलोड कर लीजिएगा। तो दोस्तों चलिए मैं आपको थोड़ा सा मोबाइल को इस तरह से जूम करके दिखाता हूँ। दोस्तों आपको एक बैकग्राउंड बढ़िया से ले लेना है और इसको थोड़ा इस पर क्लिक करके यहाँ पर इफेक्ट कलर है जो ये इफेक्ट दे रहा है दोस्तों, जो कि आपको दिखाता हूँ, ये इफेक्ट दे रहा है दोस्तों, ये इफेक्ट, तो इस पर आपको टैप करना है और आपको इसको ब्लूअर पर क्लिक करके इसको ब्लूअर कर देना है और अपने हिसाब से इसको एडजस्ट कर लेना है। दोस्तों इसको 30 पर रहने देते हैं और इसको कुछ बढ़ा देते हैं। तो दोस्तों ये ब्लूअर हो चुका है और इसको राइट पर क्लिक करके इसको ब्लूअर कर देते हैं। तो दोस्तों आपको अपना जो मैं आपको दे दूंगा, तो दोस्तों यहाँ पर आपको एड फोटो दिख रहा है, तो दोस्तों एड फोटो पर जाइएगा और ये वाली जो बैकग्राउंड है ये वाली, इसको आप ले लीजिएगा और ऐड कर लीजिएगा। दोस्तों इसको पूरा फुल साइज में आपको इसको पूरा सेट कर लेना है बढ़िया से। तो दोस्तों इसको पूरा साइड में मैं आपको सेट करके दिखाता हूँ। दोस्तों ऐसे सेट करेंगे तो दोस्तों यहाँ पर आपको ब्लाइंड का ऑप्शन दिखेगा, ब्लाइंड, तो ये वाला जो ब्लाइंड का ऑप्शन दिखेगा तो इस पर आपको क्लिक करना है सिंपली से और इसको स्क्रीन पर करके इसको स्क्रीन पर कर देना है। और स्क्रीन पर जैसे ही करेंगे तो आपको स्क्रीन पर करेंगे तो ये कुछ ऐसा दिख जाएगा। दोस्तों आपको इसको ब्लूर नहीं करना है, आपको कुछ ऐसा ही रहने देना है। दोस्तों ये देखिए मेरा हो चुका है, और तो फिर से आपको अपने चले जाना है अपने
एड फोटो में, एड फोटो में जाएंगे तो अपना जो कोई भी एक मतलब कि अपना फोटो कट कर उसको दोस्तों मैंने वीडियो के इन में बताया कि फोटो कैसे कट करना है दोस्तों। वीडियो को अगर आप फोटो को कट करना चाहते हो या आप पहले से ऑलरेडी कट कर लिया है दोस्तों तो बढ़िया है दोस्तों। अगर नहीं कर किया तो दोस्तों वीडियो को एंड में देख लेना, वीडियो को एंड तक, तो उसमें आपको बहुत ज़्यादा आसान तरीका बताऊंगा, एक ही क्लिक में आप कट कर सकते हैं ऐसा कट। तो दोस्तों ये जो मेरा कट है वो आपको दिख रहा होगा, तो दोस्तों इसको कट करके आपको दिखाता हूँ दोस्तों। ये कुछ ऐसा कट होगा दोस्तों, मैंने कुछ ऐसा बना दिया और अपने से एडजस्ट कर लेना है दोस्तों। अपने से एडजस्ट कर लेंगे तो दोस्तों आपको बढ़िया से एडजस्ट कर लेना है। तो दोस्तों इसको रहने देना है और फिर से अपने एड फोटो पर जाना है। एड फोटो पर जाएंगे तो कुछ आपको क्या करना है, अपने होली वाला पहले ही होली वाला जो है बैकग्राउंड इसको ले लेना है। क्योंकि मैं आपको पहले क्यों बोल रहा हूँ दोस्तों, इसलिए कि मगर इस पर मैंने जो भी मतलब कि लगाऊंगा तो इस पर जो छीटा जाएगा होली का जो बैकग्राउंड तो उसके लिए बढ़िया लगेगा। तो दोस्तों इसको पहले ही होली वाला जो बैकग्राउंड है उसको ले लेना है, जो मैं आपको डिप्रेशन में सारा मतलब कि मैं जो भी यूज़ कर रहा हूँ मैं मेरे डिप्रेशन में जाएगा और वहाँ से मिल जाएगा। तो दोस्तों फिर से आपको एड फोटो पर जाना है और ये वाली जो बैकग्राउंड है इसको ले लेना है। तो दोस्तों ये वाली बैकग्राउंड को आपको फुल साइज में एडजस्ट करना है, फुल साइज में एडजस्ट करना है। तो उसके बाद फुल साइज में एडजस्ट करेंगे तो फिर से ब्लाइंड पर जाएगा और इसको स्क्रीन कर दीजिएगा। तो दोस्तों कुछ ऐसा दिख रहा होगा दोस्तों इसको मल्टीप्लाई पर करेंगे तो दोस्तों ये कुछ नहीं होगा मगर ये इसको स्क्रीन कर लेगा कुछ ऐसे दिखेगा दोस्तों, बहुत ज़्यादा क्रेजी दिखेगा। तो ये बहुत ज़्यादा क्रेजी दिखने के लिए मैंने किया था, इसको फुल साइज में अपने से एडजस्ट करिए दोस्तों। मतलब कि फ़ोटो को एडिटिंग करें कोई बड़ी बात नहीं यार, बहुत बड़ी बात नहीं है, आप लोग अपने हिसाब से कर लोगे दोस्तों। मुझे तो एडिटिंग करना ही ना था दोस्तों, मेरे पास कोई वीडियो नहीं था तो मैंने इसलिए ये एडिटिंग करा, आपको पहले ही मैं बता दिया था दोस्तों। आपने ये वाली जो बैकग्राउंड ली है उसको तो ले लेना है और फिर से ये वाली जो बैकग्राउंड इसको ले लेना है दोस्तों। इसको लेने के बाद और इसको भी फुल साइज में करके आपको इसको बढ़िया से एडजस्ट कर लेना है। तो दोस्तों ये ब्लाइंड पर फिर से जाना और ब्लाइंड पर जाकर इसको स्क्रीन पर कर देना है दोस्तों। ये देखिए ना क्रेजी लग रहा है और आपको कुछ ऐसा दिखेगा। तो दोस्तों ये फिर से आपको अपने एड फोटो पर जाना है और फिर से आपको कोई एक बैकग्राउंड ले लेना है, जैसे कि अपने हिसाब से कोई भी बैकग्राउंड क्यों नहीं हो, ये हो वो हो, आपको कुछ नहीं करना है, कोई खाली बैकग्राउंड को ऐड करते रहना है दोस्तों। इसको फुल साइज में एडजस्ट करना है और इसको थोड़े अपने हिसाब से एडजस्ट करना होगा दोस्तों। तो दोस्तों आपको फिर से ब्लाइंड पर जाना है और इसको स्क्रीन पर क्लिक कर देना है दोस्तों। तो स्क्रीन पर जैसे क्लिक करेंगे तो दोस्तों ये देखिए कितना अच्छा लग रहा है ये दोस्तों। इसको ऐसे सेट कर देना है और ऐसे सेट करने के बाद फिर से आपको प्लस वाले आइकन एड फोटो पर जाना है और आपको जो ये वाली जो बैकग्राउंड है इसको ऐड कर लेना है और इसको पूरा फुल साइज में एडजस्ट करना है दोस्तों। इसको पूरा फुल साइज में एडजस्ट करना है और फिर से अपने ब्लाइंड वाले ऑप्शन पर जाना है और इसको स्क्रीन कर देना है दोस्तों। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो दोस्तों ये कुछ ऐसा है दोस्तों, मल्टीप्लाई अब कैसे ऐसे दिखेगा। तो दोस्तों इसको स्क्रीन करेंगे तो कुछ ऐसे दिखेगा और इसको थोड़ा अपने हिसाब से कर लीजिएगा दोस्तों। तो ये आपके जो ऐसे दिखने लगेगा ओके। तो ये कुछ ऐसा हो गया और फिर से अपने प्लस वाले आइकन पर जाना है और प्लस वाले आइकन पर जाएंगे तो कुछ ये वाली जो बैकग्राउंड है इसको आपको ले लेना, जैसे कि छिट्टे वाले बैकग्राउंड से इसको ले लेना। तो दोस्तों आपको ये जो फिर से ब्लाइंड पर जाना है और ब्लाइंड पर जाकर इसको स्क्रीन करके नहीं मल्टीप्लेक्शन करके मतलब कि मल्टीप्लाई करके इसको कर लेना है। तो दोस्तों मैं अपनी जो फोटो को जूम करके आपको दिखाता हूँ कैसे इसको सेट करना है दोस्तों। आपको अपने गर्दन पर आप अगर आपके पास गर्दन दिख रही हो तो गर्दन पर इसको सेट कर लीजिए कुछ ऐसे तरीके से सेट करेंगे तो कुछ ऐसा दिखने लगेगा और आपको फिर से अपने फोटो को ऐसे कर देना है। तो दोस्तों आपको देखते हैं कैसे लग रहा है, बुझा रहे कि ये अपने ही एडजस्ट करके इसको
मल्टीप्लेक्सन की तरह ये इस पर कर देना है। दोस्तों बुझा रहे कि ये अपने गर्दन पर ही रंग खेल दिया है। तो दोस्तों अपने मल्टीप्लाई पर कर देना है। तो दोस्तों ये तो हो गया, और फिर से आपको ये फ़ोटो को जूम करके ऐड कर देना है। और दोस्तों हमें लग रहा है कि ये वाली जो बैकग्राउंड है अच्छी नहीं, इसको कट कर लेता हूँ। और ये हो गया दोस्तों, और आपको कुछ और बैकग्राउंड को ले लेना है। जैसे कि दोस्तों आपको फिर से एड पर जाना है, और एड पर जाएंगे तो कुछ ये वाली जो बैकग्राउंड है इसको लेकर इसको फुल साइज में नहीं एडजस्ट करना है दोस्तों, को अच्छे से थोड़ा ही साइड में एडजस्ट करना है, और इसको स्क्रीन कलर में एडजस्ट कर लेना है कुछ ऐसे। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो दोस्तों ये कुछ नहीं होगा, तो दोस्तों कुछ ऐसे करना है। ओके, तो ये हो गया, तो इसको स्क्रीन पर ही रहने देते हैं। तो ये तो हो गया दोस्तों, और आपको कुछ एक और बैकग्राउंड को लेना है, जैसे कि दो तीन और बैकग्राउंड को मैं लेकर दोस्तों। तो फिर से आपको एड फोटो पर जाना है, और जो ये वाली जो बैकग्राउंड है ये वाली, इसको ऐड करके आपको फुल साइज में एडजस्ट करके आपको इसको मल्टीप्लाई पर कर देना है क्लिक। तो इसको अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेना है। तो दोस्तों ये हो गया, और फिर से आपको जाना है और एड फोटो पर जाकर, और ये वाली जो बैकग्राउंड आपको दिखेगी इसको लेकर एड पर कर देना है क्लिक, और इसको मल्टीप्लेक्सन पर करना है दोस्तों। तो इसको मल्टीप्लेक्सन पर ब्लाइंड पर जाकर मल्टीप्ले पर कर देता हूँ क्लिक। स्क्रीन पर देखते हैं, नहीं मल्टीप्ले पर क्लिक कर देते हैं, तो कुछ ऐसे सेट हो जाएगा और आपको अच्छा दिखने लगेगा। तो ये तो हो गया दोस्तों, और देखते हैं कि एड हमारा होता है कि नहीं। दोस्तों ये लिमिट से अनलिमिटेड रिचार्जेड हो चुका है, और ये मेरे बैकग्राउंड जो फोटो है वो राइट हो चुकी है दोस्तों, ये क्लियर हो चुकी है, और आप देख सकते हैं कुछ ऐसे बन चुकी है। और आपको अपने इसको यहाँ पर राइट पर क्लिक करके आप इसको सेव कर लीजिएगा। तो दोस्तों मैं राइट पर क्लिक करके, आप इसमें कुछ लगाना चाहते हैं तो लगा भी सकते हैं, और मैं नहीं लगाऊंगा तो इसको डाउनलोड कर लेता हूँ। तो दोस्तों मैं यहाँ से इसको डाउनलोड कर लेता हूँ सेव में, और इसको सेव कर लेता हूँ। दोस्तों मेरे गैलरी में आ चुका है ये फ़ोटो, तो आइए आपको दिखाते हैं, मेरा गैलरी में फ़ोटो ये आ चुका है। तो दोस्तों ये फ़ोटो मैंने बनाया है कुछ ऐसा, और ये देखिए जो हो बन चुका है, बहुत अच्छा बहुत बढ़िया। और ये मैंने पहली बनाई थी, तो दोस्तों इसमें तो बहुत ज़्यादा क्रेजी है, और मैंने ये अभी बनाई है, तो इसमें और उसमें बहुत ज़्यादा अंतर दोस्तों। ये दोनों फ़ोटो बहुत ज़्यादा बेस्ट है दोस्तों। तो इसमें आप मतलब अपने हिसाब से कोई भी अपना बैकग्राउंड को लेना है, और ये बैकग्राउंड का सारा समस्या है दोस्तों, ये सारा बैकग्राउंड का समस्या है दोस्तों, इससे आप अपने बैकग्राउंड को कलर कर लेना है। तो दोस्तों मैं आपको पहली वाली जो फ़ोटो दिखाऊंगा, तो दोस्तों ये मेरा पहली वाली फ़ोटो थी। तो दोस्तों बस इतना ही वीडियो के लिए। तो दोस्तों आपको चलिए बताता हूँ कि कैसे आप अपने फ़ोटो को कट कर सकते हैं। तो दोस्तों मैंने ये पिकू ऐप अपने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, डिस्क्रिप्शन में देंगे तो दे दिया है, वहाँ से आप जाकर डाउनलोड कर लीजिएगा। और यहाँ से आपको ये दिखेगा कट का ऑप्शन यहाँ पर नीचे के यहाँ बीच में, जैसे कि जहाँ पर उसका जो प्लस का आइकन था वहाँ से आपको कट का इसका आइकन दिखेगा। तो दोस्तों चलिए मैं आपको एक फ़ोटो से लेकर आपको कट करके दिखाता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मेरा ये जो फ़ोटो है वो मैंने ले लिया है, ये जो सर्च कर रहा है दोस्तों, ये देखिए मेरा कटिंग हो चुका है दोस्तों, ये देखिए कटिंग एक ही क्लिक में मेरा हो चुका है दोस्तों। इससे आप अपने अगर आपके पास कटिंग अच्छा से नहीं होगा तो दोस्तों इससे आप अपने कटिंग्स को आप मतलब कि और भी अच्छा से कटिंग कर सकते हो दोस्तों। मेरा तो अच्छा से कटिंग हो चुका है दोस्तों, आपका भी अच्छा से कटिंग हो जाएगा। तो दोस्तों कुछ ऐसा फ़ोटो था, मैंने कुछ वैसा बना दिया है। तो दोस्तों इससे आप कटिंग कर लीजिएगा, और इस पर आप क्लिक करके और इसको मतलब कि इसको अपने हिसाब से एडजस्ट करके इसको सेट करके आपको इसको डाउनलोड कर लीजिएगा।
दोस्तों ये डाउनलोड हो जाएगा और सेव टू गैलरी HD फोटोज। तो दोस्तों वर्क वेक्टर मार्क हो जाएगा और ये देखिए मेरे गैलरी में फ़ोटो ये आ चुका है। दोस्तों ये मेरे गैलरी में फ़ोटो आ चुका है यहाँ पर। तो दोस्तों इससे आप अपने फ़ोटो कटिंग कर सकते हैं। दोस्तों अगर आपको समझ में नहीं आएगा तो दोस्तों मैं आपको बता दूंगा कि कैसे इसके बारे में फुल वीडियो बना दूंगा। दोस्तों आप कमेंट में बता दीजिएगा कि आपको समझ में नहीं आया है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। दोस्तों फिर मिलते हैं ऐसे ट्रिक्स वाली वीडियो के साथ। तो बस इतना ही, धन्यवाद।